सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की गहन जांच और अपने विश्वस्त सूत्रों की मदद से तहसील ने कई मामलों में वांछित चोर को धर दबोचा है। आरोपी का नाम कोलाबा स्वामी लाइब्रेरी के पीछे टिमकी निवासी सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले बताया गया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 दोपहिया वाहन समेत 60,500 रुपए का माल जब्त किया है। 6 मामलों में नाबालिग आरोपी कल्लू पर शहर के विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 मामले अकेले तहसील थाने में हैं, जबकि नंदनवन, लकड़गंज, अम्बाझरी और हुड़केश्वर में 1-1 मामला है। खास बात है कि इन मामलों में वह नाबालिग आरोपी है। तहसील पुलिस नाल साहब चौक से चुराई गई दोपहिया वाहन की जांच करते हुए कल्लू तक पहुंची। भाणेवाड़ी पारडी निवासी नागेश अमर सिंह सोनेकर ने 22 अगस्त को अपना दोपहिया वाहन सुबह करीब 9:30 बजे डॉक्टर फुलारे के दवाखाने के सामने शिल्पा मेडिकल स्टोर्स के पास खड़ा किया था। दोपहर करीब 2 बजे लौटने पर नागेश को अपना वाहन नहीं दिखाई दिया। आसपास तलाशने पर भी जब वाहन नहीं मिला तो तहसील पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच कर दी। नागेश की शिकायत के आधार पर परिसर के सारे चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा लोगों के घर लगे निजी कैमरों की भी रिकॉर्डिंग जांची गई। रिकॉर्डिंग में कल्लू से मिलता जुलता युवक चोरी करता दिखा। पुलिस ने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया और संदेह सही साबित हुआ। कुछ ही दिनों में कल्लू को भी हिरासत में ले लिया गया। कड़ी पूछताछ में उसने नागेश के वाहन के चोरी की कबूली दी। अधिक सख्ती से पूछने पर उसने 2 और 2 पहिया वाहन चोरी की बात बताई। पुलिस स्टेशन तहसील अंतर्गत नालसाब चौक में फिरियादी नागेश अमर सिंह सोनेकर उम्र 25 साल मुकाम पारडी एक कुछ मार्केटिंग के लिए आए थे। उन्होंने अपनी सुजुकी गाड़ी MH 49 BD 4171 नालसाब चौक के रख के दुकान में गए। खरीदी करने के बाद जब उस जगह पर आए तो उनको गाड़ी दिखी नहीं। उसके रिपोर्ट पे पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 791/21 कलम 379 IPC के मुताबिक दर्ज किए। हमारे अधीनस्थ हमारे तपासी पथक ASI दुबे, हेड कांस्टेबल प्रदीप सोनटक्के और स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनको कल पुराना पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड का गुन्हेगार जो कई वाहन चोरी में जिसका सहभाग था वो सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले उम्र 20 साल कुलबा स्वामी वाचनालय के पास टिमकी है, उनको संशयास्पद स्थिति में मिला। उसके पास चोरी गई हुई सुजी की गाड़ी मिली जो तुरंत जब्त किए और उसको उस गुंडे में अटक करके उसको पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 811/21 कलम 379 में एक एक्टिवा गाड़ी चोरी गई थी जिसका नंबर MH 49W 6283 था। वो उसने चोरी चुराया करके कबूल किया। साथ में ही उसने पुलिस स्टेशन यशवंत नगर की हद्दी में अपराध नंबर 26/2021 कलम 379 IPC में दर्ज एक्टिवा गाड़ी MH 49M 0784 ये भी गाड़ी चुराने की वारदात कबूल किया है। अधिक जांच में पता चला है कि कल्लू सक्करदरा के एक पान ठेले में चोरी के आरोप में फरार था। वहीं उस पर तहसील के अलावा अन्य थानों में भी मामले हैं। वह नाबालिग उम्र से ही चोरियां कर रहा है। यह कार्रवाई शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त रेड्डी, DCP लोहित मतानी, SP संजय सुरवे के मार्गदर्शन में PI भांडारकर, PI बब्बन यड़गे, API संदीप बागुल, ASI स्वप्निल बाग, संजय दुबे, प्रदीप सोनटक्के, अनंत नान्हे, प्रशांत चवाने ने की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवार, BCN न्यूज, नागपुर।